तो गाइस मुझे आधी रात को प्यास लगी थी और यहाँ पर मैं कोका कोला पीने आ गया। चलो इसको पी लेते हैं। क्या हो गया? ओ तेरी, ओए ओए, ये कब आए अंदर? हेलो गेमर्स, तो यार क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम जो गेम खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम होने वाला है समवन आउटसाइड। तो यार इस गेम के अंदर मैं एक व्लॉगर की एक्टिंग करूंगा और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि वो कौन सा व्लॉगर है जिसकी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो यार विदाउट एनी टाइम वेस्ट के गेम को स्टार्ट करते हैं। 5 minutes later. हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर का टूर कराऊंगा। तो चले शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मैं चल के आगे आ चुका हूँ। आगे मेरे एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ फूल पड़े हुए हैं। अच्छा, और इस टेबल के साथ ही किचन है। किचन के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है और पंखे के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों लगा हुआ है। तो गाइज अभी मैंने देखा है मेरे किचन में एक पिज्जा पड़ा हुआ है और साथ ही एक कोका कोला है। गाइज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इस पिज्जे को खा जाऊं, पर अभी सबसे पहले हम पूरे घर का टूर करेंगे, उसके बाद इस पिज्जे को खाएंगे। तो गाइज मेरे घर एक फ्रिज भी है, फ्रिज के अंदर मैं पता नहीं क्या रखता हूँ, मैं इसको खोल भी नहीं सकता। गाइज फ्रिज के साथ ही एक टेबल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कुछ फूल है और साथ ही एक टेलीफोन है। चलो गाइज किसी को कॉल करते हैं। गाइज इस टेबल के साथ एक झाड़ू पड़ी हुई है जिसे मुझे हर रोजाना मामी से डंडे पर। गाइज हमारे घर एक सोफा भी है, सोफे के सामने एक टीवी भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नो सिग्नल, मतलब कि ये टीवी वैसे ही पड़ा हुआ है, कबार है ये। तो गाइज इस टीवी के साथ एक पंखा पड़ा हुआ है जो कि मैं कभी भी नहीं चलाता। पूछा मैंने कुछ? गाइज भाई का मौसम चेक करो कैसा है। एक सेकंड गाइज, वो चेक किया वो कौन है? गाइज मेरे को लगता है वो मैकडोनल्ड वाले चचा हैं जो बाहर बैठ के सबके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। चलो छोड़ो पर अंकल जी को। तो गाइज मैं अब अपने टूर का कमरा कराऊंगा, सॉरी मैं अपने कमरे का टूर कराऊंगा। तो गाइज मेरे कमरे के अंदर एक बेड है, बेड के सामने एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये रेडियो पड़ा हुआ है जो कि मैं कभी भी नहीं सुनता, और साथ ही ये टॉर्च है जो कि ऑन है, मुझे नहीं पता क्यों ऑन है, और टॉर्च के साथ ही कुछ फूल पड़े हुए हैं। तो गाइज इस टेबल के साथ मेरी अलमारी है जिसके अंदर मैं अपने कपड़े लटकाता हूँ, और ये मेरा बेड है जिसके ऊपर मैं सोता हूँ। अच्छा, और बाहर देखो जरा, वे मैकडोनल्ड भाई चचा अभी भी खड़े हैं यहाँ पर। हेलो मैकडोनल्ड भाई चचा। मेरे हाल थे गाइज, मैकडोनल्ड भाई चचा नाराज है मेरे से। तो गाइज हम इस कमरे में चलते हैं। इस कमरे में क्या है? सॉरी ये कमरा नहीं है गाइज, ये तो टट्टी है। सॉरी गाइज अभी मुझे पता चला है ये कमरा नहीं है, ये हगने की जगह है। तो गाइज ये टॉयलेट है जिसकी मैं ये सीट उठा के यहाँ पर अपना पछवाड़ा रखता हूँ जिसे मैं हगता हूँ। पूछा मैंने कुछ? हाँ तो गाइज ये था मेरा घर का टूर। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नहीं तो चलिए अब हम अपना पिज्जा खाते हैं और साथ में कोका कोला भी पीते हैं। 5 minutes later. ओके तो गाइज मैंने अपना पिज्जा खा लिया है। ओए एक सेकंड गाइज, ये देखो मैकडोनल्ड भाई चचा। क्या मैकडोनल्ड भाई चचा, ओए ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, इनकी टट्टी तो नहीं निकल गई पैंट के अंदर? ओके तो गाइस आप मुझे अपने पूरे घर की सफाई करनी है, चलिए आप सफाई करना स्टार्ट करते हैं। इसको भी उठा लिया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और इसको भी उठा लिया। तो गाइस वो सारा कचरा मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब बहुत ज्यादा रात हो गई है और मेरे को अब सोना चाहिए, चलिए आप सोते हैं। 5 minutes later. ओके तो गाइज मेरी आधी रात को आँख खुल गई है, मुझे नहीं पता मेरी आँख क्यों खुली है। ओके तो गाइज ये सामने टॉर्च पड़ी है, इसको हम पकड़ लेते हैं। ओके तो गाइज मुझे आधी रात को प्यास लगी थी और यहाँ पर मैं कोका कोला पीने आ गया। चलो इसको पी लेते हैं। क्या हो गया? ओ तेरी, ओए ओए, ये कब आए अंदर? ओए मैकडोनल्ड भाई चचा, तेरी भैंस की कब आए? ओए कुत्ते, ओ बगैरता लानती कुत्तिया, हरामदेया खनजीरा लानतिया दलिया बगैरता। ये कब आ गई घर के अंदर? सोलो जल्दी घर से बाहर निकल, तेरी बहन। नहीं नहीं नहीं, उस दिन के बाद हजार व्लॉगर आज तक नजर नहीं आए, और लोगों का मानना तो ये भी है कि वो जोकर या तो उस व्लॉगर को जंगलात में ले गया होगा या जारियों में। समझ रहे हो ना?